नमस्कार। E20 एथेनॉल 20 हाल में न्यूज़पेपर में आया कि सोमवार से 11 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी, जो 2025-26 से सारे देश पर लागू कर दी जाएगी। ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या? दरअसल एथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं। एथेनॉल मींस एथिल अल्कोहल को C2H5OH को पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, जिसे हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्राजील 80% तक मिला रहा है, यूएसए कनाडा 20-30% तक मिला रहा है। तो ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से अनुमान है कि हम 30,000 करोड़ रुपए तक बचा सकते हैं। अभी यह कार्य दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दादर नगर हवेली, दमन, दीव तक प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे पूरे देश में 2025-26 तक प्रारंभ करें। 2014 तक हम 1.5% ब्लेंडेड करते थे, जो 2014 में ही 10% कर दिया गया और अब हाल में ही 20% कर दिया गया। मुद्दा आता है किन गाड़ियों पर के इंजन के अनुकूल होगा। तो BS4 से BS6 भारत स्टेज 4 से लेकर 6 तक की गाड़ियों के लिए अनुकूल होगा और 1 अप्रैल 2023 से जितनी गाड़ियां आएंगी सब में इसके लिए ये अनुकूल गाड़ियां होंगी। क्या फायदा है, क्यों लागू कर रहे हैं? नीति आयोग का कहना है कि 2020-21 में हमने लगभग 185 MT, यानी हम रुपए में बन रहे, डॉलर में बन रहे, तो 551 बिलियन यूएस डॉलर का तेल आयात किया। 85% तेल आयात करते हैं, अगर 20% मिलाएंगे तो तेल आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा बचेगी, आयात कम होगा, प्रदूषण कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को भी मदद मिलेगी, नहीं होगी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, स्थानीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, उनका एथेनॉल बिकेगा जो गन्ने से पैदा होगा और उन अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। कुछ नुकसान भी तो होंगे इसके। नुकसान सबसे बड़ा है कि नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन, उत्सर्जन बढ़ जाएगा। दूसरी बात कही जा रही है कि पानी कहां से आएगा, क्योंकि गन्ना लगाने के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी एक बड़ा समस्या है। फिर भंडारण की एक समस्या है। फिर कुछ लोगों ने कहा है कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा फॉडर पर, चारे पर एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर हम उस समस्या से सबसे निपटेंगे। स्वागत करते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए।